वेलकम टू राजेश किचन। आज हम आपको किमामी सेवई बारीक वाली जो कि ईद में खाते हैं और ईद आ गया है, अब हम आपको घर में बना के इसको दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये सेवई आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही लजीज लगता है इसको खाने में। ये हमने ले लिया है 200 ग्राम सेवई, उसको हमने तोड़ के रख लिया है। ये बिना भुना वाला है, एक भुना वाले भी सेवई आता है मार्केट में, हमने बिना भुना वाला लिया है। ये हमने लिया है 150 ग्राम खोआ, 100 ग्राम के लगभग हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। इसमें किशमिश है, काजू है, बादाम है जिसको हमने फ्राई करके ले लिया है। ये मखाना है और ये देसी घी 2 चम्मच, करीब 300 ग्राम चीनी और ये फूड कलर रेड वाला, और 2-3 इलायची को हमने क्रश करके ले लिया है। अब शुरू करते हैं। हमने गैस पे ये रख दिया है कढ़ाई, इसको सेवई को हम पहले भुनेंगे। गैस हम ऑन कर देते हैं और इसमें हम ये देसी घी ऐड करते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपनी सेवई डाल के इसको भून लेते हैं एकदम स्लो आंच में। आंच को एकदम आपको स्लो रखना है और इसको चलाते हुए हल्का हल्का भुनना, एकदम लाल। ऐसे रटते पलटते हुए इसको अच्छे से आपको बिल्कुल लाल होने तक भूनना है। इसको ऐसे हमको खोलते हुए अच्छे से भूनना है, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाए। बिल्कुल स्लो आंच में ही भूनना है, तेज आंच में नहीं भूनना है, नहीं कच्ची रह जाएगी सेवई। ये सब बारीकियां हैं इसकी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेवई हमारी एकदम हल्के आंच में भून रही है। अभी हमको इसको और भी अच्छे तरीके से भूनना है, बिल्कुल इसको लाल करना। देखिए सेवई हमारी अच्छे से भुन गई है, अब हम इसको बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल तैयार है, अब इनको गैस बंद कर लेना है और इसको निकाल लेना है। अब हमको अपनी चाशनी बना लेनी है। ये हम चीनी इसमें ऐड कर देते हैं और इतना ही पानी हमको, जितना हमने चीनी लिया है उतना ही इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए अब इसको चलाते हुए हमको पकाना है। सीरा वाला खोलने लगा है, अब हम इसमें ये फूड कलर करीब 1/2 छोटा चम्मच हमने लिया है उसको ऐड कर देते हैं। ये अच्छे से मिला लेते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहिए इसमें डालिए या ना डालिए, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है सेवई का। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, खाने वाला कलर है ये। देखिए
चाशनी हमारी एकदम अच्छे से खोल रही है। अब हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, इसको हाथ में लेके ये देखिए, इसमें हमको तार नहीं चाहिए, लेकिन हमको एकदम चिपचिपा सी चाशनी चाहिए। चाशनी हमारी अच्छे से हो गई है। अब हम इसको गैस ऑफ कर देते हैं, इसको हल्का ठंडा होने देते हैं, तब हम अपनी सेवई वहीं सब इसमें ऐड करेंगे। शीरा हमारा हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसमें अपनी सेवैयाँ ऐड कर देंगे। अच्छे से ये इसी समय हम अपना ये खोआ वगैरह भी सब ऐड कर देंगे। इसको हमने भून के रखा था, तो मिला लेंगे। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी हम एकदम से ऐड कर देंगे इसमें, और ये इलायची जो क्रश करके रखा था उसको भी डाल देते हैं। और ये मेवा भी आप देख सकते हैं कितना शानदार हमारा सेवई बन के आया है, बिल्कुल ईद की सेवई की तरह। आप देखिए जैसे अभी ये थोड़ा ठंडा होगा तो और सूख लेगा और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको ठंडा होने तक हम ढक देते हैं और फिर ठंडा होने पे सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना लहगर हमारा किमामी सेवई बन के घर में तैयार है। ईद के मौके पे इसको फर्स्ट क्लास घर में बनाइए और सेवई खुद खाइए, दोस्तों को खिलाइए, और लॉकडाउन है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर इस सेवई की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।